1950 से हमारा आईन लागू हुआ था। हम लोग का जो देश था वो इस अपने आईन से चलना शुरू हुआ था हिंदुस्तान। उसके बाद अगर हम तारीख में जाके देखिए तो 1764 में जब बक्सर की जंग हुई थी उसमें हमारी शिकस्त हुई और वहां से अंग्रेजों का तसल्लुत कायम हुआ हिंदुस्तान में। तो वहां से अगर हम देखते हैं तो जो वजह थी कि क्यों हम हारे थे उनसे, वो ये वजह थी कि हम में एकता नहीं थी। जैसे शुरुआत में बंगाल को हराया गया तो मद्रासी खुश थे, फिर टीपू सुल्तान को हराया गया तो मराठी खुश थे, फिर जब मराठों को हराया गया तो पंजाबी खुश थे, फिर जब पंजाबियों को मारा गया तो उत्तर प्रदेश वाले खुश थे, और सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश वालों को मारा गया। तो उसके बाद गदर होती है 1857 की, जब उत्तर प्रदेश हारा है उसके बाद 1857 की गदर होती है। और 1857 की जो पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, फिर वहां से असली वो शुरू हुआ कि नहीं हम इसको हरा सकते हैं, और वहां से फिर एक पूरा निज़ाम बना कि आज़ादी की लड़ाई किस तरह लड़नी है। और धीरे धीरे फिर 1915 में गांधी आते हैं हिंदुस्तान, और वहां से उन्होंने जो सबसे पहली कमजोरी पकड़ी वो हिंदू मुस्लिम एकता की पकड़ी कि अगर ये दोनों साथ आएंगे तभी हम जीत सकते हैं। और फिर धीरे धीरे पढ़ते रहे 1947 में, 1947 को हम लोग को आज़ादी मिली। उसके बाद पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो बने वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। वो खुद तो अरबी और फारसी में पढ़े थे, मदरसे के पढ़े हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अंग्रेजी तालीम को तरजीह दी, क्योंकि वक्त के साथ अगर नहीं चलेंगे तो हम लोग पीछे छूट जाएंगे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें की, UGC बनाया और IIT और IIM कायम किए, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए इदारे कायम किए उन्होंने। और आज 72वां रिपब्लिक डे हम बना रहे हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं आज़ादी से। इसके साथ आप तलबों के लिए तो अल्लामा इकबाल के बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने जो आप लोग को खुदी का जो फलसफा दिया वो बहुत बहुत ज़रूरी है, उसको आप समझिए खुदी के फलसफे। उनका कहना था कि हर इंसान के अंदर एक पोशीदा छिपी हुई एक सलाहियत है जिसको वो खुदी बोलते हैं, उस वही इंसान की शख्सियत को बनाती है। तो हमारा जो पहला काम है, तीन चीज़ें हैं इस पूरे फलसफे, पहला काम है उस पोशीदा सलाहियत को पहचानना कि जो हमारे अंदर जो सलाहियत है उसको पहचाने। अगर उसको पहचान लिया तो आधे ज्यादा काम हो गया, हम लोग तरक्की कर जाएंगे। हम उस पोशीदा सलाहियत को समझे, पहचाने। दूसरा है उस खुदी को मुस्तहकम करें, जो सलाहियत आपके अंदर है उसको मजबूत करें। मजबूत किस तरीके से करेंगे, जब आप जद्दोजहद करेंगे, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी आप, और मेहनत तभी कर पाएंगे जब आप चीजों पर ट्राई करेंगे। कि जो समाज का जो ऊंचा तबका है ना, इसने एक वर्ड बनाया बाकियों को नीचे रखने के, और वो है फेलियर। आपको हारने से डराएंगे, आप शर्मिंदा होंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे, और वो सबसे बड़ी वजह है कि जो तबका नीचे रह जाता है उसका यही दिक्कत है कि वो ट्राई नहीं करता। आप ट्राई करेंगे कोई भी चीज एक बार में नहीं हो पाती। ये जो आप डेली जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कमरे के बल्ब से लगा के हो चाहे वो ट्रेन का इंजन हो, कोई भी चीज एक बार में नहीं बनी, हर चीज को 100 बार ट्राई किया गया तब वो तैयार हुई थी। तो जद्दोजहद करें, और अपने रसबराइल तक पहुंचने के लिए हमें इश्क होना चाहिए, मतलब हम दिन रात जग के वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, अपना एक रसबराइल तय करें और वहां उसको पाने के लिए इश्क होना चाहिए। और अल्लामा इकबाल ने जो इंसान में जो जो चीजें पाई जानी चाहिए, खसूसियत पाई जानी चाहिए, उसको मिलाया है शाही से। शाही एक चिड़िया होती है चीख, उसके अंदर जो खसूसियत पाई जाती है वही एक मुसलमान में भी खसूसियत, एक इंसान में भी वही खसूसियत पाई जानी चाहिए। वो क्या है, वो ये कि जो शाही है वो खलवत पसंद है, तन्हाई में रहता है, अपने उसकी जो निगाह है उसकी जो नजर है वो बहुत तेज है, अपने शिकार को बहुत तेजी से पकड़ता है, वो तेजी से पहचानता है क्या है हमें करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद जद्दोजहद उसकी सबसे बड़ी चीज है, जो उन्होंने जो शाही से मिलाया वो उसके पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो जद्दोजहद है, वो खसूसियत उसमें पाई जाती है और वही हमें निकालना है। और आखिरी चीज है बुलंद परवाज, जैसे कि जब बारिश होती है तो जो बाकी परिंदे हैं वो क्या करेंगे, वो छत के नीचे चले जाएंगे, वो पेड़ के नीचे चले जाएंगे, लेकिन शाही की खासियत है बुलंद परवाज होगा, वो फ्लाइट भरेगा, उड़ान भरेगा और बादलों के ऊपर निकल जाएगा जहां पर कोई बारिश ही नहीं है। तो ये उन्होंने मिलाया एक मुसलमान से, एक इंसान से, जिसके अंदर शाही जैसी खसूसियत बनी थी।
और आखिरी में है मर्द कामिल। मर्द कामिल मतलब आप सारी चीजें जो कर रहे हैं उसमें अल्लाह की इबादत की होनी चाहिए। सलाहियत तो आपके अंदर आ गई, आपने उसको मुस्तकम कर दिया, उसके साथ अल्लाह की मदद भी चाहिए, अल्लाह की बात भी मदद करनी है ताकि जो भी काम करें उसमें हमें कामयाबी मिले। तो मर्द कामिल की पैरवी आखिरी चीज है। तीन चीजें हैं और आप लोग अपना अपना नजबुलाइन तय करें, मेहनत करें, इश्क जद्दोजहद करें वहां तक पहुंचने के लिए, और तालीम हासिल करें। किसी भी तरक्की याफ्ता कौम को आप देखिए उसमें तालीम सबसे तालीम जरूर दीजिए, जरूर चाहे मुसलमानों ने जब चार बजे आ गए हुकूमत की तालीम दी है, और आज की डेट में देख लीजिए यहूदियों को देखिए वो हर फील्ड में आगे हैं, हर फील्ड में छोटा सा मुल्क है हर फील्ड में आगे हैं वजह से।